की बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की यह बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां सीएम अशोक गहलोत पहुंचे एसएमएस अस्पताल। तो जयपुर में सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम अशोक गहलोत एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्रवण पटेल के को देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए वो अस्पताल पहुंचे। पटेल के कुशल क्षेम पूछने के लिए एसएमएस अस्पताल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल, कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्रवण पटेल के हालचाल जानने के लिए, उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए एसएमएस अस्पताल मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे हैं और कुशल क्षेम जानने के लिए वो अस्पताल पहुंचे। तो दूदू के बाद सड़क हादसे में इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्रवण पटेल के जाने हाल। ज्यादा जानकारी के लिए विशाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, सीएम अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्रवण पटेल के हालचाल जानने के लिए वो अस्पताल पहुंचे, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने बाग पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किए थे। उसके बाद सीधे कुछ ही कदम पर सवाई मानसिंह अस्पताल है, वहां सीधे सीएमआर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव है श्रवण पटेल, उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। दूदू में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें श्रवण पटेल घायल हो गए थे, उनको चोटें आई है, जिसके बाद उनका एसएमएस अस्पताल में काफी दिनों से इलाज चल रहा है। ऐसे में आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अचानक उनकी कुशल से जानने के लिए, उनके स्वास्थ्य जानने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। खासतौर पर वहां पर एसएमएस अस्पताल में बड़े चिकित्सक है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सुधीर भंडारी, एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक, तमाम जो चिकित्सक जो उनकी देखरेख में जो श्रवण पटेल का स्वास्थ्य जाना जा रहा है, उसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो वो कुशल क्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंचे और पटेल के कुशल क्षेम उन्होंने जाने भी। दूदू के पास सड़क हादसे में ये पटेल घायल हुए थे, और क्या घटना थी, कैसे ये घायल हुए थे, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये कहीं कार्यक्रम में कहीं शिरकत करने के लिए जा रहे थे श्रवण पटेल, और इसी दौरान वाहन से उनकी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद इनको हालांकि खतरे वाली बात नहीं है, हल्की चोटें आई थी, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद उनको सीधे पहले निजी अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद उनको एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, यहां पर उनका इलाज चल रहा है। और यहां पर तो कांग्रेस के श्रवण पटेल की हम बात करें तो अब इस वक्त कैसे हालात हैं उनके और क्या स्थिति है उनकी? देखिए, किसी प्रकार का खतरा नहीं है और खतरे से वो काफी बाहर है, हालांकि ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और इसी को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन चिकित्सकों से बातचीत कर रहे हैं, कैसे उनके इम्प्रूवमेंट चल रहा है अभी और क्या कुछ होने बाकी है, इसको लेकर पूछताछ कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो जिस तरह से पूछताछ करने खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, ये वाकई बड़ी बात है। जिस तरीके से हर एक नेता के सुख दुख में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, और इसी कड़ी में वो श्रवण पटेल के हालचाल जानने भी अस्पताल पहुंच गए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि पटेल हॉस्पिटल में हैं और उनसे मिलने मुख्यमंत्री खुद पहुंचे।